हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज की वीडियो आप लोगों को मैं अपना जो स्टूडियो है उसके रिव्यू देने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं यूट्यूब पर वीडियो शूट करता हूँ, कैसा वीडियो मैं कौन सा कैमरा से शूट करता हूँ वीडियो को, और कैसा बैकग्राउंड होता है, किस तरीके से मैं एडिटिंग करता हूँ, और स्टूडियो मेरा कैसा है, इसको इसमें रिवील करने वाले हैं, जानकारी देंगे कि आप लोग भी जब यूट्यूब पर आएंगे तो कैसा स्टूडियो होना चाहिए, किस तरीके से आप एक नेक्स्ट लेवल के लिए प्रोफेशनल वीडियो यूट्यूब पर आना चाहते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे यूट्यूब पर अच्छा खासा एडिटिंग के साथ और स्टूडियो के साथ और किस तरीके के कैमरा के साथ आप वीडियो शूट करते हैं, इसको इस वीडियो में बताएंगे। कैसे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, किस तरीके का स्टूडियो होना चाहिए, कैसा वीडियो बनाना चाहिए, कौन सा कंटेंट वीडियो आपके यूट्यूब के लिए बेहतर होगा, कैसा वीडियो चलेगा, किस तरीके का वीडियो शूट करना चाहिए, कैसा वॉइस क्वालिटी होना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स सभी जानकारी इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं। जानकारी देंगे, आप यूट्यूब पर आ सकते हैं, अच्छा एडिटिंग होना चाहिए और कैसा स्टूडियो होना चाहिए, किस तरीके से आप वीडियो शूट कर सकते हैं, इसको इसमें जानकारी देने वाले। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। और मेरे यहाँ पर पीसी, इसमें मैं आप लोगों को फिल्मोरा जो सॉफ्टवेयर होता है उससे मैं वीडियो एडिटिंग करके आप लोग के लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ गाइस। और एडिटिंग तो इससे हो जाता है, कैनन के 90 कैमरा से मैं वीडियो शूट करता हूँ, कैनन का जो कैमरा होता है उससे मैं शूट करता हूँ वीडियो को, और मेरे पास DSLR कैमरा भी है जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ, लेकिन DSLR में मुझे उतना क्वालिटी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कैनन के जो कैमरा है उससे वीडियो शूट कर लेता हूँ। वॉइस क्वालिटी भी अच्छा लगता है, इससे अगर माइक कनेक्ट करके आप बेहतर वीडियो शूट कर सकते हैं। मेरे पास 2 से 3 कैमरा है जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ, लेकिन अभी मैं मोबाइल से ही वीडियो भी बनाता हूँ, क्योंकि मोबाइल एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको आप लोग कहीं पर कैरी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और सूटेबल होता है, कहीं पर भी जा सकते हैं। जो लोग नए यूट्यूबर होते हैं, उन लोगों के पास कैमरा भी नहीं होता है, पीसी नहीं होता है, और स्टूडियो भी नहीं होता है, तो मोबाइल से जा सकते हैं, मोबाइल से ही वीडियो शूट करके, मोबाइल से ही वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर सकते हैं। मैं भी जब यूट्यूब पर नया चैनल शुरुआत किया था तब मोबाइल से ही वीडियो शूट करता था, मोबाइल से ही जो कई मास्टर एप्स हैं उससे वीडियो एडिटिंग करके आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर देता था। इसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता था मोबाइल से ही वीडियो शूट करके, धीरे धीरे मेरा जो यूट्यूब चैनल अच्छा खासा व्यू सब्सक्राइबर मिलने लगा, जिससे मैं अच्छा खासा कैमरा और स्टूडियो और इस तरीके का जो पीसी है इसके साथ मैं वीडियो एडिटिंग करके आप लोग को देता हूँ। आप लोग भी अच्छा खासा एडिटिंग कर सकते हैं, आगे यूट्यूब पर आएँ और बेहतर बेहतर वीडियो बनाओ। सा एडिटिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए, किस तरीके का वीडियो आप लोग के बेहतर होगा, कैसा वीडियो बनाना चाहिए और किस तरीके का वीडियो होना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो में कुछ पसंद आए, बदलेगा।